दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में आप लोगों ने सुना तो बहुत ही होगा और शायद मुझसे भी बेहतर जानते हों, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको आगाही देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपैक। बेसिकली सीपैक है क्या, उसके बारे में हम आपको आगाही देंगे। सीपैक जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। तो सीपैक क्या है और उसे हम ग्रेट गेम क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सीपैक एक बहुत बड़ा तजारती मंसूबा है जो पाक चीन एक साझी राहदारी, जिसका मकसद जनूबी मगरबी पाकिस्तान से चीन के शुमाली मगरबी खुद मुख्तियार इलाके सिंगयांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और मोटरवे के जरिए तेल और गैस की कम वक्त में तरसील करना है। एक साथी राहदारी पाक चीन तालुकात में मरकजी अहमियत की हामिल तस्वर की जाती है। ग्वादर से काशगर तक तकरीबन 2,442 किलोमीटर तवील ये मंसूबा है जो मुकम्मल होने में कई साल लगेंगे। इस पर कुल 46 बिलियन डॉलर लागत का अंदाज़ा किया गया है। राहदारी चीन की 21वीं सदी में शाहरा रेशम में तौसीफ है। 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान में चीनी सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 51 यादाश्तों पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मंसूबों पर दस्तखत हुए थे। दुनिया के सियासी और मुआशी निज़ाम को समझने के लिए जग्राफी मामलात समझना नहायत ज़रूरी है। जग्राफियाई पर एक नज़र डालते हैं ताकि मुस्तकबिल में होने वाली मुआशी कशमकश की सूरत हाल वाज़े हो सके। ये मालूम है कि आज की दुनिया रिवायती जंग के बजाय मुआशी बरतरी की जंग लड़ रही है। मुआशी बरतरी की इस जंग में इस वक्त अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन मजबूत फरीकेन के तौर पर खड़े हैं। फ्री मार्केट इकनॉमी में मुआशी मंडियों की तलाश और उस मुआशी जंग की बुनियाद है। एक जानब अमेरिका, यूरोप और जापान खड़े हैं, जबकि दूसरी जानब चाइना और रूस खड़े हैं। मुआशी मंडियों की तलाश के साथ सेंट्रल एशिया के ज़खायर भी अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं। सेंट्रल एशिया तक रसाई भी दोनों ब्लाकों को की तरजीहत में शामिल है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये दो ब्लाक कौन से हैं। चाइना ने सेंट्रल एशिया में अपने मजबूत असर रसूख के लिए 1996 में के नाम से एक तंजीम कायम की, जिसमें शंघाई फाइव, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। इस तंजीम के बुनियादी मकसद का तयन वो पहला मुआहदा है जिस पर उन ममालिक ने अप्रैल को शंघाई में दस्तखत किए। इस मुआहदे का मकसद एक ऐसी तंजीम का क्याम था जो आपस के सरहदी इलाकों में दफाई तावन पर मुश्तमिल था। अप्रैल 1997 को उन्होंने मास्को में एक और मुआहदे पर दस्तखत किए जो सरहदी इलाकों में अफवाज की कमी से मुतल्लिक था। शंघाई फाइव के अगले दो समिट बिल तरतीब 1998 अलमाते कजाकिस्तान, 1999 बशक्के किर्गिस्तान में कोई काबिल जिक्र मुआहदा नहीं हुआ। 2000 के समिट दोशंबे ताजिकिस्तान में दूसरे ममालिक में मुदाखलत की मुखालफत और इंसानी हकूक की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। इसमें उज़्बेकिस्तान की शमूलियत के साथ इस तंजीम का नाम बदलकर ओबर 2001 शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और इसके मकासद को फैलाकर यूरोशियन ममालिक में सियासी, मुआशी और दफाई तावन जैसे शोबों में मदद और तावन के दाग पर डाली गई। इसके अलावा चीन और रूस का 2001 साइनो रशियन ट्रीटी फ्रेंडशिप में एक साला मुआहदा हुआ। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर चीन और रूस के सियासी और मुआशी मफादात के तहफ़ का मुआहदा था। चीन ने अपनी मुआशी बरतरी और सेंट्रल एशिया तक का दायरा एससीओ आसान तरसील, जबकि रूस ने मुआशत में बेहतरी की खातिर ये फैसला किया। जुलाई 2015 में पाकिस्तान और भारत को बाकायदा मेंबर बनाया जाए। जून 2016 में ताशकंद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाके एससीओ पर दस्तखत किए। आने वाले वक्तों में उन तमाम ममालिक को बाकायदा रुकन के तौर पर देखा जा रहा है। उन ममालिक और बाकी यूरोशियन ममालिक की शिरकत से आने वाले दौर में माहरीन एक मजबूत मुआशी ब्लाक के तौर पर देख रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में अमेरिका और यूरोप की मजबूत मुआशी कुवतें खड़ी हैं। मुस्तकबिल की मुआशी बरतरी की जंग में परसर बेकार कुवतें यही होंगी।
दूसरी तरफ चीन ने हालिया कुछ बरसों में दुनिया की मुआशी सरगर्मियों में कम व बेश अपना सिक्का जमा लिया है। इस मुआशी जंग में मंडियों के वसूल के लिए चीन के सदर जी जिनपिंग ने एक ख्वाब देखा। मामला यूँ है कि तरक्की याफ्ता अकवाम सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि उसको अमली जामा पहनाने पर यकीन रखते हैं। चीनी सदर के इस ख्वाब को ओबार का नाम दिया गया है। दरअसल ओबार वन बेल्ट वन रोड का नाम है। ये ट्रिलियन डॉलर्स का मंसूबा है जिसमें कमोबेश 60 ममालिक शामिल होंगे। 116 बड़े मंसूबे हैं, 10 साल मंसूबा है और चाइना के मुताबिक इसकी तकमील पर चीन सालाना ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस करेगा। ओबार सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के दो हिस्से हैं। बड़ी रास्तों के हिस्से को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जबकि बहरी रास्तों के हिस्से को मैरीटाइम सिल्क कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों में 6 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जिनको स्ट्रेट का नाम दिया गया है। इनमें से एक सीपेक है जिसमें रेलवे लाइंस और मुआशी जोन शामिल हैं। इस मंसूबे में एक पुराने सिल्क रोड को जो मशरक चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए यूरोप तक जाता था वो दोबारा से बनाने का मंसूबा है। इसमें एक रूट नेपाल बांग्लादेश और इंडिया तक जाएगा जबकि दूसरा सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोशिया तक जाएगा और एक मंगोलिया तक फैला हुआ है। एक रूट ईरान से होते हुए तुर्की और यूरोप के दरवाजे से होता हुआ रूस तक जाएगा। चीन की सरहद से ग्वादर का फासला सिर्फ 2500 किलोमीटर है। ग्वादर खलीजी रास्तों और ईरान के करीब है। यूं चीन के रास्ते अपना तजारती सामान बआसानी इन इलाकों तक ले जा भी सकता है जबकि पाकिस्तान और म्यांमार दोनों ही चीन के को तेल की सप्लाई के अहम रूट साबित हो सकते हैं। यूं देखा जाए तो वन बेल्ट वन रोड वो मंसूबा है जो चीन को यूरोप अफ्रीका और एशिया के तमाम बड़े ममालिक से जोड़कर इसकी तजारत को 4 चांद लगा सकता है। दोस्तों ये तो हो गया ज़मीनी मामला। चाइना समंदरी रूट को भी बेहतर बनाना चाहता है। इसमें चाइना चाहता है कि उन पोर्ट्स को भी कंट्रोल करें जो उसके तजारती रास्तों में हैं जैसा कि हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, सूडान और कीनिया। और इसके लिए चाइना इन ममालिक पर बढ़कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसके लिए चाइना पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। इस रूट से चाइना लंदन तक कार्गो सिर्फ 2 हफ्तों में ही पहुंचा पाएगा। इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान के सीपेक को ही सिलेक्ट किया है। चाइना दुनिया के सबसे तेल दरामद करने वाले ममालिक में आता है और चाइना चाहता है कि तेल और दूसरी दरामदादी मसनूआत दूसरे रूट के बजाय ग्वादर से ही किया जाए ताकि मिडिल ईस्ट से तेल की तरसील चाइना तक बहुत तेज़ी से पहुँच सके। चाइना सीपेक को सिर्फ ऑयल के लिए ही यूज़ नहीं कर रहा लेकिन सीपेक चाइना को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ देगा जिसे चाइना इन ममालिक तक तजारती रसाई तकरीबन 4 गुना बेहतर बना सकता है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को 3 और बड़ी वजूहात की वजह से भी चुना है ताकि इनके रास्ते से वो अपनी तरसील और ऑयल और दूसरे ममालिक से रास्ते जोड़ सकें। तो वो 3 वजूहात कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना अपनी तजारत का 80% मलाइका स्टेट से करता है। आबनाए मलाइका से ये रास्ता चीन को 10,000 मील के करीब पड़ता है जबकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से अगर वो ये तजारत करे तो ये रास्ता उसे 2,000 से 3,500 मील तक पड़ता है। इस तरह अगर चीन सिर्फ अपना आधा तेल पाकिस्तान के रास्ते लेकर जाए तो उससे सालाना $2 अरब का मुनाफा होगा लेकिन चीन जैसे बड़े मुल्क के लिए ये $2 अरब कोई इतनी बड़ी रकम है नहीं। इसलिए जो दूसरी वजह है वो मलाइका स्ट्रेट के ज़रिए आने वाला तेल और चीन की तजारत हमेशा ख़तरे से दोचार रहती है। चीन को मुसलसल बड़ी मकदार में तेल और गैस चाहिए लेकिन आबनाए मलाइका जहाँ तजारत करता है चीन ये हर वक्त जंग के ख़तरे में रहता है क्योंकि यहाँ मौजूद जापान, कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन और वियतनाम चीन के लिए दर्द सर रहता है क्योंकि इन्हीं का बहाना बनाकर अमरीकी फ़ौज का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा यहाँ मौजूद है।
फिलिपाइन, ताइवान समेत ये वो जगह हैं जहां अमेरिकी फ़ौज ने मजबूत कदम जमाए हुए हैं। इस जगह हर वक्त जंग के साए मंडराते रहते हैं, लेकिन हालात ज़्यादा कशीदा हुए तो अमेरिका और ये सारे ममालिक मिलकर चीन का रास्ता बंद कर सकते हैं और चीन इतना बड़ा ब्लॉकेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का रास्ता मुख्तसर और महफूज है। तीसरी बड़ी वजह चीन की मगरबी रियासतें हैं। चीन की मशरकी रियासतों की नस्बतन मगरबी रियासतें बहुत गुरबत का शिकार हैं और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कों का जाल ऐसा कोई है नहीं। इन मगरबी रियासतों को तरक्की देने के लिए चीन ने ये एक प्रोग्राम बनाया है, वो जहाँ इंडस्ट्री और सड़कों का जाल बिछा रहा है। लेकिन ये इंडस्ट्री और ये सड़कों का जाल उस वक्त पे फ़ायदा है अगर यहाँ पैदा होने वाली मसनूआत को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इनकी एक्सपोर्ट के लिए चीन दो रास्ते बना रहा है, एक जदीद शाहराह रेशम जो काजकस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमस्तान, ईरान और तुर्की से होते हुए यूरोप जाएगी, और दूसरा रास्ता है सीपेक जहाँ से बहर हिंद से होते हुए अरब दुनिया और अफ्रीका से तजारत हो सकेगी। ये रास्ता महफूज और मुख्तसर है। ये तीन बातें हैं जिनके लिए चीन को पाकिस्तान के सीपेक की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी बायोग्राफीज आप तक आसानी से पहुँच सके। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।